कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। विकास दुबे का गिरफ्तार साथी दयाशंकर अग्निहोत्री नए राज उगल रहा है। दयाशंकर ने पुलिस को बताया कि मुठभेड़ से पहले विकास दुबे को एक फोन आया था। उसने कहा कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे खुद बंदूक लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। ये बंदूक दयाशंकर के नाम पर थी। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक दयाशंकर ने कहा कि पुलिस रेड से पहले विकास के पास पुलिस स्टेशन से फोन आया था। इसके बाद विकास दुबे ने 25 से 30 लोगों को बुलाया। विकास ने खुद पुलिस वालों पर फायरिंग की। दयाशंकर की माने तो मुठभेड़ के वक्त आपाधापी में वो घर के अंदर बंद हो गया था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं देख सका। बता दें कि दयाशंकर विकास दुबे के उन 18 गुर्गों में शामिल है जिन पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम किया है। बिकरू गांव में पुलिस पर हुई फायरिंग में दयाशंकर भी शामिल था। इतना ही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विकास दुबे के एक और साथी को उठाया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस वक्त कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसके परिवार में 2 बेटियां और पत्नी है। पूछताछ के दौरान दयाशंकर ने बताया कि 3 साल की उम्र में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उसे विकास दुबे के माता पिता ने पाला और शादी ब्याह करवाया। वो उनके घर में रहकर खाना बनाने और पशुओं को चारा पानी करने का काम करता था। दयाशंकर ने बताया कि घटना के दिन चौबेपुर थाने से विकास के मोबाइल पर रात करीब 8:30 बजे फोन आया था। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।